नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद यमुना नदी और चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी और चंबल नदी में विभिन्न प्रकार के कछुए पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में तस्कर कछुओं का अवैध शिकार कर सप्लाई करते हैं और इसकी बिक्री कोलकाता शहर के माध्यम से चीन, म्यांमार और अन्य देशों में की जाती है। वन विभाग की 3 टीम ने रात्रि सूचना के आधार पर कछुआ को एसटीएफ की टीम में छापा मारते हुए रणनीति के तहत 4 तस्करों को 67 बड़े कछुओं के साथ गिरफ्तार किया है। इन कछुओं की बाजार में कीमत 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। ये सभी दुर्लभ प्रजाति के कछुए पुरुष क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। इटावा पर्यावरण एवं वन जीवन विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव चौहान ने बताया कि यह तस्कर इन कछुओं को दूसरे प्रदेशों में ले जाकर बेचते हैं। देखिए, अभी कुछ समय से ये सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जिनके द्वारा कछुओं को पकड़ करके तस्करी का काम किया जाता है। इस संबंध में हमारी एसओजी क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी, सिविल लाइन्स की टीम साथ में थी। ये जो पिलुआ हनुमान जी का मंदिर है उसके पीछे यमुना जी के पास से आज कछुए जो है काफ़ी मात्रा में, जिनके संख्या लगभग 7 के ऊपर है और जिसमें एक एक कछुए का वजन, कुछ कछुए ऐसे हैं जो 70 से 80 किलो के लिए हैं। इस संबंध में वन विभाग की भी टीम साथ में ज्वाइंट एफर्ट किया और काफ़ी मात्रा में कछुए के बरामद किया गया है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो इसमें संबंधित धारा है उसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। इटावा से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।